दोस्तों, अगर हमारा आधार कार्ड खो गया है, हमारे आधार कार्ड का नंबर नहीं मालूम है, या तो हमने नया आधार कार्ड किया है, हमारी एनरोलमेंट स्लिप भी खो गई है, तो हमारा आधार कार्ड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, हम ये कैसे पता करें, इस बारे में इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, महा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा खोया हुआ आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए हमें uidi.gov.in ये वेबसाइट के ऊपर आना है। अब यहाँ पे जब हम ये वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो हमें इस तरह से पेज दिखाई देगा। आप जो है इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर भी ये मतलब है ना, आप पोर्टल को देख सकते हो। तो चलो मैं इसे इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस यहाँ पर जो है आधार, माय आधार, तो ये यहाँ पे अगर हम हमारा कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है विविध सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें लॉस हमारा जो हुआ है आधार कार्ड या हमारी एनरोलमेंट स्लिप, तो वो उसका नंबर जानने के लिए हमें यहाँ पे रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन ईआईडी या तो यूआईडी। तो चलो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर जो है हम दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको आधार नंबर चाहिए तो फिर ये आधार नंबर के ऊपर क्लिक रखेंगे, या तो आपको एनरोलमेंट आईडी अगर मतलब इन्हें पता करना है तो ये आप ये सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे। तो चलो मुझे आधार नंबर चाहिए, तो हमने आधार कार्ड एनरोलमेंट करते टाइम में जो भी नाम हमने मतलब जैसी भी स्पेलिंग है एक्यूरेट वैसी स्पेलिंग यहाँ पर डालना है, और उसके बाद में आपका आधार के लिए एनरोलमेंट के वक्त में कौन सा मोबाइल आपने दिया था, वो मोबाइल या तो फिर ईमेल आईडी, दोनों में से कोई भी एक आपको देना है। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यूअर आधार नंबर 100 इज सेंड टू यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल, तो यह आपका आधार का जो है आखिरी चार डिजिट आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके मोबाइल के ऊपर जो है आपका आधार नंबर जो है वो सेंड कर दिया गया है 12 डिजिट वाला। अभी वो नंबर से हम यहाँ पर माय आधार के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर आया हुआ जो हमारा आधार नंबर है वो डालना है, कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी हम यहाँ पे समाविष्ट करने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर ये हम आधार के पोर्टल पे लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है अलग अलग सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक जनरेट, वर्चुअल आईडी, बैंक सीडिंग्स, बाद में एड्रेस अपडेट, आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। आपका आधार जो डाउनलोड करना है अभी आपके यहाँ से जो है आप आधार डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमारे मोबाइल पे जो मैसेज आया है आधार का नंबर, उससे हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एक मतलब मैंने 14/12/2023 तक के लिए एक फ्री सर्विस है, जिसमें अगर जो जितने भी जूने लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड बनाने के बाद में कभी अपडेट नहीं किया, कभी मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्स कभी उन्होंने अपलोड नहीं किए होंगे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, तो उनको जो है 14/12/2023 तक के ये सर्विस फ्री रहेगी। तो यहाँ से हम हमारे डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अपलोड कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा आधार का प्रीव्यू हमें दिखाई देगा। तो यह हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो ये फ्रंट साइड है, बैक साइड के लिए यहाँ पे फ्लिप आधार कार्ड को क्लिक करेंगे तो ये बैक साइड हमें आप हमें दिखाई देगी। उसी के साथ में ये लॉगिन करने के बाद में हमने क्या क्या रिक्वेस्ट की थी, डॉक्यूमेंट अपडेट का दिखाई देगा, ऑर्डर पीवीसी का जो भी है ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम आधार का डाउनलोड, लॉस्ट आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।